हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने आजकल सुना होगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बहुत फ्लक्चुएट कर रही है और पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसी चीज़ें रखूंगा जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे पहली चीज़ होगी कि डिफ़ॉल्ट होता क्या है, अगर डिफ़ॉल्ट कर जाएँ तो फिर क्या होता है, और पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के क्या चांसेस हैं, और अगर पाकिस्तान अल्लाह ना करे डिफ़ॉल्ट कर जाए तो पाकिस्तान के उसके बाद फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और लास्ट में वो स्पेशली आप लोगों के लिए होगा कि अगर पाकिस्तान अल्लाह ना करे डिफ़ॉल्ट कर जाए तो उस टाइम फिर आप लोगों ने, मैंने, हम सब ने मिलके एक नॉर्मल मैन ने कैसे सर्वाइव करना है। तो ये चंद एक चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा और फिर हम जानेंगे कि हम इस हालात में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डिफ़ॉल्ट होता क्या है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाता हूँ। अब कंट्री लेवल का डिफ़ॉल्ट होता है वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन एज बीइंग नॉर्मल इंसान आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि डिफ़ॉल्ट कहते किसको हैं। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने बैंक से लोन लिया और वो बैंक के आप 6 महीने तक किस्तें देते रहे, लेकिन आप लोगों के हालात ख़राब हो गए और फिर या बिजनेस डाउन हो गया, जॉब चले गई, वट एवर द रीजन्स, आप उनके जो लोन के पैसे हैं वो वापस नहीं कर पा रहे, आपकी किस्तें ड्यू होती जा रही हैं। फिर क्या होगा कि बैंक आपको कॉल करेगा, वो आपको कहेगा जी क्या रीज़न है आप नहीं दे रहे, आपको टेक्निकल रीजन्स बताएंगे, वो आपको कुछ मार्जिन देगा कुछ दिनों का, और अगर उसमें आप सबमिट कर देंगे तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप फिर भी सबमिट नहीं करेंगे तो फिर होगा ये कि वो आपका केस लेके कोर्ट के पास जाएगा, कोर्ट आपके जो एसेट्स होंगे उनको बैंक के हवाले कर देगा, बैंक उन एसेट्स को सेल करेगा और वो उससे जो उसका जो लोन वाला पैसा होगा वो अपने बात वापस करेगा। तो इस सारे सिनेरियो में आप एज ए डिफ़ॉल्ट कर गए, ठीक है। अब कंट्री का डिफ़ॉल्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जब कंट्री डिफ़ॉल्ट करता है तो फिर क्या होता है, पाकिस्तान अगर अल्लाह ना करे डिफ़ॉल्ट करता है तो उसके ऊपर कुछ सेक्शंस लग जाती हैं, जैसे कि आप ट्रेड उस तरह से नहीं कर सकते जिस तरह से एक नॉर्मल कंट्रीज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें होता यह है कि जब आप लोग कोई भी कंट्री डिफ़ॉल्ट करता है तो उसके पास होता क्या, सबसे पहली चीज़ होती है कि उसकी जो क्रेडिबिलिटी रेटिंग है वो इंटरनेशनली डाउन हो जाती है। इसके अलावा जो उसकी करेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही होती है और वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर पाकिस्तान की बात करें, अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है तो जो आज डॉलर के मुकाबले में रुपीज़ 230 के अराउंड चल रहा है वो आपको 500 के अराउंड देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो आपकी इम्पोर्ट होती है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है और आप मुल्क के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। इस सिचुएशन से निकलने के लिए एक नॉर्मल मुल्क को 2 साल लग जाते हैं और अपनी रेपुटेशन को वापस उस पॉइंट पे लाने के लिए, एक अच्छे रिप्रेजेंटेटिव कंट्री लाने के लिए वो 10 साल भी लग जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के क्या चांसेस हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जो इकोनॉमिक फिगर्स हैं, वहाँ से तो लग रहा है कि जो इकदाम आज अभी लिए जा रहे हैं, टैक्सेस अप्लाई कर रहे हैं, वो कुछ टाइम पहले अप्लाई कर देने चाहिए थे, लेकिन इस सारी सूरत हाल फिर भी इकोनॉमी को हम देखते हुए ये मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस कम हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की अभी 75th ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, पाकिस्तान की बर्थडे आ रही है, तो मुझे उसमें ये हो सकता है कि इंटरनेशनली पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को डाउन करने के लिए, पाकिस्तान को इंटरनेशनली एक्सपोज करने के लिए कि कितना ये कमज़ोर मुल्क है, तो इस तरह की इंटरनेशनली कोई ना कोई हरकत हो सकती है। ये मेरी परसेप्शन है और इसके बारे में आप लोग क्या राय रखते हैं वो आप लोगों ने बताना है। तो ये ना हो कि अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान को इस तरह की जो हमारी डील्स चल रही हैं IMF के साथ या डिफरेंट दीगर चल रही हैं उसकी वजह से पाकिस्तान को लोन्स वगैरह जो अप्लाई किए हुए वो ना मिले और पाकिस्तान अल्लाह ना करे डिफ़ॉल्ट की तरफ जाए, तो ये एक चीज़ हो सकती है। अच्छा, ये तो हमने सारी बातें कर ली कि अगर अल्लाह इस तरह से हो भी सकता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए तो फिर भी मेरे ख्याल में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान एक पहला दुनिया का मुल्क नहीं होगा कि जो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। इससे पहले तकरीबन 146 ममालिक डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। अब स्पेन का सबने सुना होगा, वो 1939 से पहले तकरीबन 16 बार डिफ़ॉल्ट हो चुका है। इसके अलावा आपने रशिया का सुना होगा, 1998 में रशिया के पास ट्रेजर बॉन्ड के पैसे नहीं थे और वो भी डिफ़ॉल्ट कर गया था। अभी अगर आप लोगों को थोड़ा सा पहले लेके जाऊं तो 1994 में मेक्सिको जो है वो भी डिफ़ॉल्ट कर चुका है। 2015 के अंदर ग्रीस भी डिफ़ॉल्ट कर चुका है। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद है कि अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर भी जाए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि यार पाकिस्तान बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। पाकिस्तान के पास इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें पाकिस्तान सर्वाइव कर सकते हैं। अब उसमें पाकिस्तान सर्वाइव कैसे कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। पाकिस्तान के पास जो फूड इंटरनली हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो एज अ पाकिस्तानी 30-40-50-60-70% तक हम खुद से यूज़ कर रहे होंगे, हम बाहर नहीं भेजेंगे तो हम उनको कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो आप लोगों को पता है कि हाइड्रल की तरफ हम जा रहे हैं, जो हमारे इनर्जी रिसोर्सेज हैं इलेक्ट्रिसिटी के हैं
वो फ्यूल से हम वाटर की तरफ जा रहे हैं, डैम बन रहे हैं इस तरह के, तो हम वहां से कुछ ना, मैं ये नहीं कहता कि 100% 70% हम सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन 50-30% कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये नहीं कि पाकिस्तान अल्लाह ना करे अंधेरों में चला जाएगा, लोग बिल्कुल सड़कों पर आ जाएंगे और यहाँ फिर अंधेरों में पाकिस्तान डूब जाएगा, खाने की किल्लत हो जाएगी, ये ऐसा कुछ नहीं इंशाल्लाह होगा। अच्छा, पाकिस्तान का इस तरह से हालात हैं कि जो एक कंट्री डिफॉल्ट करने के बाद उसके ऊपर कुछ सेक्शंस लगती हैं, उसके लिए जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो ईरान तकरीबन 20 सालों से सर उसी को फेस कर रहे हैं। तो क्या वो कंट्री ख़त्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो अब सर्वाइवल में लगे हुए हैं और वो अपनी रेपुटेशन बेहतर करने में लगे हुए हैं। इससे होता है क्या कि फिर आप पाकिस्तान को या किसी भी कंट्री को अपनी सलाहियत का पता चल जाता है और फिर कमजोरियाँ जो हैं वो बिल्कुल सामने आ जाती हैं और उसकी वजह से फिर पाकिस्तान जो है एक अच्छे उस फेज से जब निकलेगा तो बहुत स्ट्रांग कमबैक कर सकता है और इससे कंट्रीज बहुत ऊपर भी जाती हैं। इसकी एग्जांपल आप नॉर्थ कोरिया, मेक्सिको, ग्रीस और मैंने आपको रशिया की एग्जांपल ऑलरेडी दे चुका हूँ कि आज वो किस पॉइंट पे हैं और वो किस तरह से डिफॉल्ट कर गई थी। जी, आखिरी पॉइंट स्पेशल आप लोगों के लिए, मेरे लिए, हम एक नॉर्मल इंसानों के लिए, नॉर्मल पाकिस्तानी के लिए या वो पाकिस्तानी जो ओवरसीज में, उन सब के लिए इसको आप इन्हें एहतियात से सुनना है। इसमें पाकिस्तान सर्वाइव कर लेगा कि चले हम जो हमारा लोकल फूड है हम उस पर गुजारा करना शुरू हो जाएंगे, जो हमारे प्रोडक्ट लोकल हैं हम उनको यूज़ करना शुरू हो जाएंगे इंस्टेड ऑफ कि हम इम्पोर्टेड प्रोडक्ट यूज़ करें। इसके अलावा जो हमारे, आपको पता है कि आजकल सोलर्स का है, तो हम उसकी तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। ये तो ओवरऑल है एज अ कंट्री। अब मैं आप लोगों की बात करता हूँ कि आप, मैं, हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को एक स्टार्ट करूँगा कि एग्जाम्पल से, अगर आप लोगों के पास कुछ अपनी सेविंग्स हैं तो आप लोग उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर गोल्ड का जो इंक्रीज़ होता है ईयर टू ईयर वो 30-40% है और किसी पॉइंट पे भी अगर अल्लाह ना करे ऐसे हालात होते हैं तो आप उसको लिक्विडाइज कर सकते हैं, आप उसको कैश करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉपर्टी आप लोगों को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि रन टाइम पे जब आप लोगों को पैसे चाहिए होंगे तो प्रॉपर्टी हो सकता है कि सेल ना हो। कुछ लोग मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे कि जो आप लोगों की सेविंग्स PKR में है आप उसको डॉलर्स में कन्वर्ट करके रख लें क्योंकि उसका ये होगा कि अल्लाह नगरी अगर करेंसी क्रैश करेगी तो आपके जो अमाउंट है, आपकी जो सेविंग्स हैं वो डॉलर्स में है, आप उसको इजीली कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हैं और उससे होगा ये कि आप लोगों का जो इम्पैक्ट आएगा महंगाई का, वो सारे इम्पैक्ट आप लोगों के ऊपर असरअंदाज नहीं होंगे। अच्छा, आप लोगों के साथ एक एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ, उसमें यह है कि आप लोगों के पास भी 10 लाख रुपये हैं और मेरे पास भी 10 लाख रुपये हैं और आज से एक साल पहले चले जाते हैं जब डॉलर का रेट 150 रुपये था, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ कि आप लोगों ने अपने जो 10 लाख थे वो 10 लाख एज इट इज़ अपने पास रख लिया, अपने सराहने बैंक में कहीं कबर्ड्स में सेव करके रख लिया कि भाई मुश्किल वक्त में काम आएंगे। मैंने उन 10 लाख का क्या किया कि मैंने गोल्ड खरीद लिया या फिर मैंने डॉलर्स खरीद के रख लिए, ठीक है। अब होता यह है कि डॉलर्स का उस टाइम वैल्यू थी 150, अब आज अगर कैश करेंगे तो आपके जो 10 लाख हैं वो 10 लाख के 10 लाख ही पड़े होंगे और जो कि महंगाई आपको पता है 40-50% इंक्रीज़ हो चुकी है तो आपकी पैसे जो हैं वो डी वैल्यू हो चुके हैं। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जो डॉलर्स में पैसे सेव किए हुए हैं $7,500 जब उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं आज के डॉलर रेट पे तो वो तकरीबन मेरे पास 17-18 लाख रुपये 20 लाख रुपये तक हम रफली कह देते हैं कि बन रहे हैं। अब हुआ क्या कि महंगाई हुई, फ्लक्चुएशन आई, कंट्री डाउन की तरफ गया लेकिन आपके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि आपकी जो उस टाइम पैसों की वर्थ थी वो आज उसी तरह उसी जो जिस पैसों से आप उस वक्त कुछ ले सकते थे उन्हीं आज के बाद आपके पास आज महंगाई होने के बावजूद आपके पास पैसे हैं और आप वो इजीली परचेस कर सकते हैं। तो अब समरी हम करते हैं। समरी में ये है कि आप लोगों को ये पता चल गया कि डिफ़ॉल्ट कहते किसको हैं, कंट्रीज डिफ़ॉल्ट करती हैं तो फिर होता क्या है, पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट के चांसेस क्या हैं, फिर आप लोगों को पता चल गया कि आप लोगों ने इसमें सर्वाइव कैसे करना है और हम सब दुआ मिलकर करेंगे कि पाकिस्तान पे ऐसा वक्त ना आए लेकिन एक तरह से आ भी जाए क्योंकि ये एक हवा बनी हुई है कि यार अल्लाह पाक डिफॉल्ट करता है तो पता नहीं क्या होता है। एक दफ़ा ये ज़हनी जो प्रेशर है, साइकोलॉजिकल प्रेशर है, ये ख़त्म हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद जब पाकिस्तान कमबैक करेगा तो बहुत स्ट्रांग करेगा और पाकिस्तान के ऊपर जाने के चांसेस एज ए कंट्री बहुत अच्छे हैं। अब आप मेरी बातों से कितना एग्री करते हैं वो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा अगर आपकी वीडियो के बारे में कोई भी राय हो तो आप लोगों ने मेरे साथ शेयर करनी है और फिर मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी और ट्रिक शेयर करूंगा कि जिस तरह से आप मुश्किल वक्त में सर्वाइव कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।